गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक चाइनीज ड्रामा एक्सप्लेन करने वाली हूँ, फर्स्ट रोमांस। फर्स्ट सीन में हमारी मेन लीड इफ़ान की एंट्री होती है। ये हमारे मेन लीड यन के है, पियानो बजा रहा था, तो हमारी इफ़ान की एंट्री होती है। तो अगला परफॉर्मेंस उसका होता है, तो वो स्टेज में जाती है परफॉर्मेंस के लिए। तो उसका आज स्पीच देने का था, तो स्पीच देने के लिए स्टेज पर आई थी। तो जब स्पीच दे रही थी तो देखती है कि एक जो है बैनर का टाइप का कुछ नीचे गिर रहा था, तो अपने हील से उसको हिट करती है, तो वो जाके फायर अलार्म पे लगता है, तो उधर बारिश स्टार्ट हो जाता है। फिर उसका जो जूता है ना वो निकल के हमारे हीरो को लगता है। जब इफ़ान को पता चलता है उसकी वजह से किसी को चोट लगा है, तो बोलता है मैं तो एक साधारण सी लड़की हूँ, मेरे में तो उतना ताकत भी नहीं है। इफ़ान एक एथलीट है और जो यान के है ना वो उसका स्कूल टाइम का क्रश। स्कूल के बाद कॉलेज में आज मुलाकात हुआ है। इफ़ान का नया लुक देख के उसका पापा तो एकदम बेहोशी हो गए थे। इफ़ान और उसकी दोस्त डिंग आपस में बात करते करते आ रहे थे कि मैंने उसको फिर से देखा, उसको मैं याद हूँ कि नहीं, ये सब बातें कर रहे थे। और वो क्लास में आता है तो क्लास में सब उसके बारे में बातें करने लगता है कि वो तो वही लड़की है ना जिसने हील फेंका था। तो इस सीन में हमें इफ़ान की रूममेट्स और यानके के रूममेट्स को दिखाया जाता है, जो कि सब मजाक कर रहे थे उनको लेके। इतने में सर अनाउंस करते हैं कि उनके कॉलेज में पोर्स होने वाला है, तो सर सबको एनर्जी के साथ उसमें पार्टिसिपेट करने को बोलता है। और आखिर में यानके और इफ़ान को अपने ऑफिस में बुला देता है उनको। इफ़ान इधर यानके से उस दिन के लिए माफ़ी मांगती है। फिर दोनों सर के पास जाते हैं, तो सर उनको बोलते हैं कि जो पोर्ट्स होने वाला है ना कॉलेज में, तो उनके लिए दो वॉलेंटियर लगेगा, तो उसके लिए मैंने तुम दोनों को चुना है, तो क्या तुम ये वॉलेंटियरिंग करने चाहोगे। यानके ओके बोल देता है, तो इफ़ान भी ओके बोल देता है। तो इफ़ान और डिंग इसी बारे में बात कर रहे थे कि तुम दोनों पार्टनर्स होंगे, इसमें बहुत मज़ा आएगा, ये सब बोल रहा था। और बोलते तो मुझे तो अभी यकीन भी नहीं हो रहा कि हम दोनों एक साथ होंगे। मैच के लिए सबको जर्सी दिया जाता है, तो सब जर्सी पहन लेते हैं अपना। और इधर ये दोनों भी सबको रेडी कर लेते हैं, क्योंकि वो दोनों अभी वॉलेंटियर है ना, तो उनको सब संभालना पड़ेगा। तो अभी मैच भी इधर स्टार्ट हो जाता है, फर्स्ट राउंड का गेम का स्टार्ट है। फर्स्ट गेम इफ़ान का होता है, जो पैरों के साथ कुछ गेम है, इस गेम का नाम मुझे मालूम नहीं। पैर से एक दोनों को लात मार रहे हैं एक दूसरे को। सभी इफ़ान को बहुत चेयर कर रही थी। थोड़े से राउंड के बाद इफ़ान थोड़ा थक जाती है। यानके जब देखता है कि इफ़ान बहुत ज़्यादा थक गई है, तो जाके वो चेयर करता है। यानके के चेयर से इफ़ान में बहुत ज़्यादा एनर्जी आ जाता है, बहुत ज़ोर से किक करता है, तो राउंड वो जीत जाता है। और सब भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि वो राउंड जीत गए पहले वाला। दूसरा गेम भी आराम से वो लोग जीत जाते हैं, तो सर उनको बोलते कि तुम लोग बहुत अच्छा खेलो, ऐसे खेलते रहो, बोल के उनको इंकरेज करते हैं। इतने में इफ़ान के पास जिंग आ जाता है, तो जिंग को देख के उसको कुछ याद आने लगता है कि इस लड़की को उसने कहा तो देखा है। जिंग इफ़ान को समझाने लगती है कि तुमको और भी अच्छे से गेम खेलना है। यानके जब कॉरिडोर से जा रहा था, तभी उसको सोच रहा था कि इस लड़की को कहीं तो देखा है। इतने में एक लड़की इधर आती है और यानके को बोलते हैं कि वो उसको पसंद करते पहले दिन से ही। तो यानके जो है ना अपना फ़ोन का वॉल्यूम बढ़ा देता है, जिससे उसको बात करना ना पड़े। इतने में उधर फैन भी आ जाती है, तो उसका सामान वो लेकर बोलता है कि मैंने तुम्हारी बात नहीं सुना है। तो लड़की चली जाती है और वो दोनों भी इधर चले आते हैं। यानके इफ़ान को एक चॉकलेट देता है खाने के लिए। इफ़ान यानके को जो लड़की है उसके बारे में बोल रही थी, तो बोलता है वो हर रोज़ होता ही रहता है, नॉर्मल बात है। तो इफ़ान बोलती है कि सर हमको टीम बनाने के लिए बोला, अच्छे से खेलने के लिए, टीम को मैनेज करने के लिए बोला। इफ़ान की बात सुन के यानके को उसका एक स्कूल का दोस्त का बात याद आ गया। तो यानके बोलते तुमने अभी अभी क्या कहा। बोला कुछ नहीं, बोला नथिंग। जब यानके जा रहा था तो इफ़ान उससे बोलते कि हम लोग एक साथ हो सकते हैं। फिर अपने बात को खुद ही ठीक करते हुए बोला कि हम एक टीम की तरह खेलेंगे ना एक साथ, वही बोल रहा था, तुम कुछ गलत मत समझना। यानके बोल रहे तुम कौन सी गलत बात समझने के बोल रहे हो। वो बोल रहे कुछ नहीं, बाय बाय बोल के चला जाता है। सर बोलते रहते हैं कि हमको ऐसे ही जीत के जाना है हर गेम। उनका तीसरा गेम भी तो स्टार्ट हो जाता है, तो सब लोग रेडी होते हैं उस गेम के लिए। इफ़ान को जिंग जो बातें बार बार बोली थी, वही बातें उसको बार बार याद आने लगती है कि तुमको लड़कियों की तरह बिहेव करना चाहिए, अट्रैक्टिव लगना चाहिए। यानके जब से तुम्हारी तरफ से नज़र ना हटा सके, तो वैसा ही करने लगता है। तो गेम स्टार्ट भी हो जाता है। इधर दोनों टीम बहुत अच्छा खेल रही थे, और जो यानफान की टीम होती है जो वो तो जीतने के कगार पर होती है, तो इतने में जीत भी जाते वो लोग। नेक्स्ट गेम थ्री लेग रेस है, जो पैर बांधा हुआ होगा और पार्टनर्स के साथ खेलना होगा। यानके और इफ़ान एक ही टीम में होते हैं, तो इधर वो सब लोग अपने पैर को बांध रहे थे आपस में। तो इधर इफ़ान सोच रही थी उसका हाथ पकड़ू कि नहीं। इधर यानके इफ़ान के शोल्डर पर हाथ रख देती है। यानके के कंधे पर हाथ रखने से इफ़ान तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, और दोनों गेम में गिर भी जाते हैं थोड़ी देर जाने के बाद। तो देखते सब आगे जाने के लिए, इसलिए इफ़ान ने यानके को कंधे पर बैठा के फिर दौड़ना स्टार्ट कर दिया, और वो लोग एक राउंड भी जीत भी जाते हैं। गेम ख़त्म हो गया था, तो यानके और इफ़ान सारे चीज़ें समेट रहे थे, सब कुछ जो है वो दोनों मॉनिटर्स हैं ना। तो इतने में उसको याद आता है कि उसका जो ट्रॉफी का बॉक्स है वो कहीं खो गया है, नहीं मिल रहा है। तो वो दोनों मिलके ढूंढ रहे थे, तो इफ़ान भी जाके ढूंढने लगती है। वो डस्टबिन में जाके ढूंढती है, बोलते गेम के वक्त अगर गिर गया होगा तो इधर मिल जाएगा।
यान के बहुत परेशान है उस बॉक्स को ना मिलने की वजह से। इधर फ्लैशबैक पे हमें एक लड़का दिखा जाता है जो यानके को एक टॉफ़ी देता है। ये सब देख के ऐसा लगता है कि यानके का वो बहुत अच्छा दोस्त था। फिर एक दिन जब यानके स्कूल में उसको ढूंढने जाता है तो देखते हैं नहीं होता है, जो उसका बॉक्स होता है उधर गिरा हुआ होता है। उसके बाद से वो दोनों अभी नहीं मिले। इफ़ान यानके को बुलाने लगती है तो जब नहीं उठता है तो ज़ोर से चिल्लाने लगती है, तो उठ जाता है जल्दी से और बोलते हैं थोड़ा सा सो गई थी मैं। तो उसको कैंडी का बॉक्स निकाल के देता है, बोलते हैं मैंने ढूंढ लिया इसको। फिर दोनों बातें करते करते जा ही रहे थे तो इसमें हर बातों से उसको उस दोस्त का याद आने लग रहा था। तो इतने में एक बॉल आ रहा था उसकी तरफ, तो वो जाके यानके उस बॉल को रोकती है। तो उसके पीछे जो नाम लिखा हुआ है वो देख के वो बोलता है तुम्हारा कोई बड़ा भाई है क्या? वो बोलती है मेरे घर में सिर्फ मैं एक ही लड़की हूँ।